फिजिक्स में डेरिवेटिव्स का यूज रेट मेजरमेंट में होता है जैसे of of time, जो है वो रेट ऑफ चेंज टाइम है यहाँ पर हम डेरिवेटिव एज रेट मेजर के बेसिक्स डिस्कस करेंगे यहाँ हम दो वेरिएबल्स ले रहे हैं y और x, y और x आपस में रिलेटेड हैं और फंक्शनल रिलेशनशिप है y इक्वल्स एफ एक्स लास्ट वीडियो में हमने फंक्शंस में इसको डिस्कस किया था अब सपोज एक्स को हम बढ़ाकर एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर देते हैं तो वाई में भी चेंज होगा वाई चेंज होके हो जाता है वाई प्लस डेल्टा वाई यहां पर बढ़ाकर वर्ड यूज किया है तो याद रखिए यहां पर डेल्टा एक्स हम पॉजिटिव ले रहे हैं डेरिवेशन में यहां हम सबसे पहले एवरेज रेट की बात करेंगे x में जैसे चेंज हुआ डेल्टा x तो y में चेंज कितना हुआ डेल्टा y अगर x में यूनिट चेंज होता y तो में कितना चेंज होता सिंपल मैथमेटिक्स से हम देख सकते हैं डेल्टा 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 y तो पर एवरेज रेट ऑफ ऑफ चेंज विद टू x कहलाती है यहां से हम इंस्टेंटेनियस रेट पर आते हैं बेसिकली डेरिवेटिव का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगर हम डेल्टा एक्स को छोटा करते जाए इतना छोटा कर दें इतना छोटा कर दे जितना हम सोच सकते हैं तो जो एवरेज रेट है वो ही इंस्टेंटेनियस रेट होगी तो इंस्टेंटेनियस और एक्चुअल रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो गई ये हो गई लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इसको हम डी वाई डी एक्स से डिनोट करते हैं यहाँ पर दो चीजें आपको बताना चाहूंगा कि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो है जीरो के बहुत ही करीब है लेकिन ये जीरो के बराबर नहीं है क्योंकि जीरो से डिवीज़न जो है वो अनडिफाइंड होता है इनडिटर्मिनेट होता है दूसरी ये बात कि हमने जो यूज़ किया है इंस्टेंटेनियस के साथ एक्चुअल रेट ऑफ चेंज भी वर्ड भी यूज़ किया है तो एक्चुअल इसलिए यूज़ किया है कि इंस्टेंटेनियस वर्ड थोड़ा सा मिसलीडिंग है बेसिकली ये फिजिक्स से आया क्योंकि फिजिक्स में जो रेट्स कैलकुलेट करते हैं हम वो टाइम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं जहां पर एक्स की जगह हम टी लेते हैं जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन तो चूंकि टाइम को हम इंस्टेंट बोलते हैं तो वहीं से यह वर्ड आया इंस्टेंटेनियस रेट